नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी की जो भाई इससे पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप में थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। इस बात करूँगा सैंधव मूवी के रिव्यू के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो भाई इस मूवी में आपको लीड रोल में दिखाई देते हैं अपने वेंकटेश जी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है शैलेश जी ने। तो बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की, इस मूवी का क्या डायरेक्शन है, किस तरह का कास्ट है, किस तरह का एक्टिंग है, किस तरह का पूरा मूवी का जो ओवरऑल मेरा की तरफ से क्या वर्डिक्ट है, सारी चीज़ें बताऊंगा। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। दोस्तों बात करते हैं सैंधव मूवी की। तो सैंधव मूवी में आप देखेंगे एक क्रेन ड्राइवर है, मतलब क्रेन ऑपरेटर है जो वेंकटेश जी ने जो रोल किया है, क्रेन ऑपरेटर का रोल किया है। यहाँ पर उनकी एक छोटी सी बच्ची भी हमको दिखाई जाती है। मूवी का स्टोरी इतना है कि उस बच्ची को अचानक से एक दिन एक ऐसी बीमारी का पता लगता है जिस बीमारी का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसको ऐसे में बीमारी है, मतलब माफ़ कीजिएगा, ऐसे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये एक बीमारी होती है। तो इसका खर्चा इतना है कि उसके एक इंजेक्शन का आई थिंक 17 करोड़ के आसपास का अमाउंट का खर्चा आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, एक क्रेन ऑपरेटर इतने बड़े पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता, लेकिन उसको अपने बच्चे से बहुत प्यार है, वो पैसे किसी भी तरह से उन पैसों का बंदोबस्त करना चाहता है। इसके बाद में ये पूरी की पूरी मूवी वहीं घूमती है पैसों का बंदोबस्त कैसे होता है, उसके लिए अपने वेंकटेश जी क्या क्या करते हैं, किन किन लोगों से मदद लेते हैं। यहाँ पर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखाई देते हैं। तो वो पूरा मतलब कि उसके बाद का प्लॉट मूवी का उस पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके लिए अगर वो पैसों का बंदोबस्त कर पा रहा है, क्या उसने अपने बच्ची को बचा पाए, तो इसके लिए आपको भाई मूवी देखना पड़ेगा। पूरा स्टोरी के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मेरी तरफ से भाई मूवी को अगर मैं रेटिंग दूँ तो 10 में से दूंगा 8.5। भाई इसके एकदम कड़क मतलब स्क्रीन प्ले के लिए जो यहाँ पर हमको वेंकटेश जी ने मतलब खुद के कंधों पे जो उठा के चले हैं। मूवी की कुछ अच्छी और ख़राब बातें बताता हूँ आपको। अच्छी बात मूवी की ये है कि मूवी वेंकटेश जी ने बहुत अच्छे से कैरेक्टर को निभाया है मूवी के अंदर। पूरे मूवी में मतलब कि ऐसा लगता है कि वही कैरेक्टर को और मूवी को लेकर चल रहे हैं। दूसरी अच्छी बात मूवी की बताऊं तो मूवी का जो एंड है, लास्ट का जो सीन्स आते हैं, वो काफ़ी एंगेजिंग है, आप अपने सीट से नहीं उठेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो। तीसरी अच्छी बात मूवी की ये बताता हूँ आपको, इसमें जो बीमारी बताई है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, उसके बारे में जानकारी दी है, जो एक अच्छा सोशल मैसेज, अवेयरनेस का मैसेज भी आपको देती है कि किस किस तरह की बीमारियाँ होती हैं। अब मूवी के कुछ नेगेटिव बातें बताता हूँ। नेगेटिव बात में सबसे बड़ी नेगेटिव मुझे ये लगी, मूवी में इतने अच्छे अच्छे कास्ट किया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जितने बड़े कलाकार को लिया गया है, लेकिन वो उसके साथ जस्टिस नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर उनको दिया गया है उसमें कुछ उतना करने को था नहीं। जो उनको डायलॉग, जो मूवी के डायलॉग्स हैं, यहाँ पर दूसरी बात बताऊँ तो मूवी के डायलॉग्स भी इतने मुझे खास लगे नहीं, थोड़े से स्ट्रांग हो सकते थे, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रॉपर हो सकता था। मुझे फर्स्ट हाफ से कंपेयर में सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों यही थी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बातें मेरी तरफ से। मूवी को रेटिंग रहेगा 8.5 और बिजनेस रेटिंग भी 8.5 ही रहेगा। मैं मानता हूँ कि ये फेस्टिवल के जो डेज हैं इसमें मूवी काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन करके दे जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।